ये सब भिखारी जो सड़कों पर कशकोल बढ़ाए फिरते रहते हैं, गोली मार कर उड़ा देनी चाहिए। जो भीख मांगते हैं इतने लानत ही नहीं जितने कि ये लोग जो देते हैं। जन्नत में एक टंटी कोठरी बुक करवाने वाले सौदागर, गुनाह को इतनी बुरे अंदाज से पेश करो कि करने वाले को गुनाह से नफरत हो जाए। दुनिया में इतने मसल्लेह पैदा हुए हैं कि उनकी तालीम तो लोग भूल चुके हैं, लेकिन सलीबे, धागे, दाढ़ियाँ, कड़े और बोलों के बाल रह गए हैं। मौत एक बहुत ही बुंडी चीज़ है, यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज कहीं से आँच मिटता है और मर जाते हैं। चंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। मुख्तसर अल्फाज में ज़िंदगी के मुतालिक सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये एक आह है जो वा में लपेट कर पेश की गई है। मैं उस मुआशरे का हिस्सा हूँ जहाँ हम आईने का सामना सिर्फ शक्ल देखने के लिए करते हैं। सौ में से 100 मक्खियाँ शहद की तरफ भागे आएगी और 100 में से 99 लड़कियाँ बुंडेपन से मायल होगी। सादत हसन मंटू से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके मुल्क का? तो वो कहने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा जेल में होने वाली जुम्मा की नमाज का होता है। आजान फ्राडिया देता है, इमामत कातिल करवाता है और नमाजी सब के सब चोर होते हैं। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज ही नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो इन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। वो लोग बेवकूफ हैं जो समझते हैं कि बंदूकों से मजहब शिकार किए जा सकते हैं। मजहब, दीन, ईमान, धर्म, अकीदत, ये जो कुछ भी है हमारे जिस्म में नहीं रूह में होता है। चर्रे, चाकू और गोली से ये कैसे फना हो सकता है? ये लीडर कठमल है जो वतन की काट में चूलों के अंदर घुसे हुए हैं। ये नाम निहाद लीडर अपनी अपनी बोल में एक संदूक ची दबाए फिरते हैं, जिसमें हर किसी की जेबें कतर कर रुपया जमा करते हैं। उनकी हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का तफन महसूस कर सकते हैं। लंबे लंबे जलूस निकाल कर मन्नो बारी हारों के नीचे दब कर चुराहों पर तवील तवील तकरीरों के कोकले अल्फाज बकीर कर हमारी कौम के ये नाम निहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाते हैं जो ऐश वर्षत की तरफ जाता है। ये चांद लोग इकट्ठे करते हैं, मगर क्या उन्होंने आज तक बेकारी का हल पेश किया है? ये लोग मजहब मजहब चिल्लाते हैं, मगर क्या उन्होंने खुद कभी मजहब की एहकाम की पैरवी की है?